यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। ताज़ा तरीन है टाइम्स के साथ मैं हूँ कानिता इम्तियाज और मेरे साथ मौजूद है मुकद्दस इफ्तिखार। नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शहराए फैसल पर दो माजूर बच्चों को व्हील चेयर पर बैठा देख कर रुक गए। दोनों बच्चे जैकबाबाद से बलोच कबीले से ताल्लुक रखते हैं। मालूम करने पर पता चला कि बच्चों से भीख मंगवाई जा रही है। वजीर आला सिंध ने बच्चों से प्यार भरे लहजे में बात की और देखा कि वो माजूर नहीं है। वजीर आला सिंध ने बच्चों को प्यार किया। कराची की सुपर हाईवे पर लक्ष डैम भर जाने से पानी हाईवे से होता हुआ 33 की जानिब बढ़ने लगा। सुपर हाईवे पर पानी का बहाव बहुत तेज है। लक्ष डैम में पानी भरने के बायस इसका पानी मोटरवे M9 सुपर हाईवे और मुत्तसल आबादियों में दाखिल हो गया। बारिश के बायस कराची से अंदरूने मुल्क रवाना होने वाली मुतादित ट्रेनें ताखीर का शिकार हो गईं। महकमा रेलवे की जानिब से ट्रेनों की ताखीर की पेशगी इतला न दिए जाने के बायस स्टेशन पर मुसाफिर परेशान हुए हैं, जिनका स्टेशनों पर रश लग गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक शहर में होने वाली बारिशों के बायस दोपहर 1 बजे चलने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस अब 7 घंटे ताखीर से रात 8 बजे रवाना होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की गाड़ी चोरी हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गाड़ी कराची के इलाके बहादुराबाद में MQM के दफ्तर के बाहर से चोरी हुई। पुलिस के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी की गाड़ी बहादुराबाद में वाके MQM के दफ्तर की पार्किंग में पार्क थी, जबकि गाड़ी MQM के वेलफेयर इदारे खिदमत खल्क फाउंडेशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से पाक पतन इराजी केस में पूछताछ की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। महकमा एंटी करप्शन की 4 रुकनी टीम ने पाक पतन इराजी केस में तहकीकात के लिए कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की और उन्हें सवालनामा पेश किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे मुसलसल बारिश होने से अंदरून सिंध जल थल हुआ। मुझे 2006 की बारिश याद आ रही है, अगर 188 मिलीमीटर बारिश हो तो मसाइल खड़े होते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हैदराबाद में बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे के मौके पर गुफ्तगु में कहा कि हैदराबाद शहर में 188 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बिजली ना होने की वजह से पंपिंग स्टेशन बंद हुए। इतनी बरसात में हम नहीं कह सकते पानी नहीं ठहरेगा। वजीर आला ने कहा कि CEO हैस्को को निज़ाम को दुरुस्त करने की हिदायत की है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।